हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 सेम एटीकेटी स्टूडेंट्स के लिए है। एटीकेटी स्टूडेंट्स जिनको एटीकेटी आई है स्टेट सब्जेक्ट में सेमिस्टर 1 में, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो लेक्चर्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है। आप अगर ये मेरे 10-12 लेक्चर्स देख लेते हो तो आपका चैप्टर 1 जो है वो क्लियर हो जाएगा। 10-12 लेक्चर्स कुछ ज्यादा नहीं है, हर एक वीडियो की लेंथ जो है वो 10 से 15 मिनट की है, क्लियर। जिसको आप अगर स्पीड में भी देख लोगे तो आपके और 3-4 मिनट भी बच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, रैंक कोरिलेशन। इससे पहले मैंने सम नंबर करवाया था, सम नंबर आपको करवाया था मैंने 18। ये कौन सा करवाया था मैंने? 18 करवाया था। और सिर्फ दो में करवाने वाला हूँ सम रैंक कोरिलेशन के। इससे पहले वाला लेक्चर 1 करवाया था वो आप एक देख लेना, और अभी मैं जो करवा रहा हूँ वो एक देख लेना। फिर जितने भी सम अगर आपके बुक में दिख रहे हैं आपको, जितने भी सम यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 19, 20, ये आप इजिली कर पाओगे। ये 2 लेक्चर देख लोगे ना तो आप इजिली ये सारे सम्स कर पाओगे, क्लियर। तो ये तो मैं बाद में कराऊंगा, आपको टेबल वाले सम की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर हमारा 23। अब सम नंबर 23 में क्या खास बात है? तो देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 18, उसमें क्या था? उसमें ये था कि वहां पे कोई भी रैंक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा था। मतलब अगर यहाँ पे देखोगे आप तो 65 नंबर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, वहां पे कोई भी ऐसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हम पर्टिकुलर किसी भी रैंक को नंबर दे रहे थे उसके ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन जब नंबर सेम निकल आते तो फिर दोनों को सेम रैंक तो दे नहीं पाएंगे, तो इनको क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में रैंक को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो चेंजेस आता है, वहां पे चेंजेस आता है कैलकुलेशन में, दूसरा चेंज आता है आपके फॉर्मूलास में, ठीक है। और बाकी पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा जो लॉजिक है वो वही है इसका, क्लियर। और कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में और फॉर्मूला में चेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे आपके वीडियो के लिए ज्यादा नहीं हो, इसके लिए 23 का मैंने एक्स और वाई को नोट डाउन कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स को उसके हिसाब से रैंक देता जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो 85 है, उसको मैं रैंक नंबर 1 दे देता हूँ। उसके बाद सेकंड रैंक देखोगे तो 80 है। अब यहाँ पे जो रिपीटेड है मैं उसको सर्कल कर लेता हूँ जिससे मेरे को इजी हो। एक 65 रिपीटेड है, ठीक है। और कौन सा रिपीटेड आपको दिख रहा है यहाँ पे 65 के अलावा? और 35 रिपीटेड है। तो यहाँ पे जब मैं आऊंगा तब मेरे को थोड़ा होल्ड ऑन करना है आपको समझाने के लिए। तो 1 रैंक दे दिया मैंने 85 को, सेकंड रैंक दे दिया मैंने 80 को, थर्ड रैंक दूंगा मैं 75 को। उसके बाद कोई नंबर दिख रहा है आपको 66, तो फोर्थ रैंक मैं दूंगा 66 को। अब क्या होता है, 65 पे आऊंगा मैं, तो 65 यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो पहले मैं दोनों रैंक को ले लेता हूँ। एक रैंक होता है 5 और एक होता है रैंक 6, क्योंकि दोनों को तो मैं 5 नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूंगा, 5 रैंक जो मैं देने वाला था और उसके बाद वाला भी, ठीक है। अगर 3 होते तो 3 बार 65 होता तो मैं क्या करता, 5, 6 और 7 ले लेता, क्लियर। इस तरह से समझ में आ रहा है, जैसे स्कूल में होता था। क्या होता था, 5th नंबर और 6th नंबर जो होता था, 5th तो मैं देने वाला था और उसके बाद वाला भी मुझे नंबर लेना पड़ेगा। तो 5 प्लस 6 कितना होता है आपका, 11 हो जाता है। अब 11 डिवाइड बाय 2 करूंगा, क्योंकि कितनी बार रिपीट हो रहा है 65, 2 बार, तो 11 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 5.5। तो 5.5 मैं रैंक दूंगा ये 65 को, और 5.5 रैंक दूंगा ये 65 को, जैसे दोनों को इक्वल मिलेगा, क्लियर। तो अब मैं 6th पे नहीं जाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट 7th पे जाऊंगा। 6th और 5 जो है वो यूज हो गया इन दोनों में। अब 7th रैंक जाऊंगा मैं तो 65 के बाद अगर देखोगे तो 55 जो है वो आपका नीचे रैंक है। 7th रैंक मैंने दे दिया 55 को, 8th रैंक जाएगा आई थिंक 40 को, क्लियर। अब 9th रैंक पे आते हैं,
नाइन्थ रैंक पे देख रहे हो अभी, 40 के बाद सीधा 35, तो नाइन्थ और टेंथ इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय टू कर दो, 19 हुआ, 19 डिवाइड बाय टू कर दिया तो ये हो गया 9.5, और यहाँ पे भी हो गया 9.5। अब क्या हुआ, 33 पे आते हैं तो 33 पे जाएगा 10, 9 और 10 तो यूज हो गया 11, और 20 पे जाएगा 12। क्लियर? तो एक बार रैंक चेक कर लेता हूँ मैं, 4, 8, 9.5, 3, 5.5, 2, 9.5, 12, 1, 5.5, 7, 11। क्लियर? तो ये मैंने रैंक एक्स को दे दिया। अब चलते हैं रैंक वाई की ओर, तो 85 को देंगे नंबर वन रैंक, 80 को देंगे नंबर टू रैंक, फिर 80 के बाद आपको 76 दिख रहा है, थ्री रैंक देंगे, 76 के बाद आपको सीधा 68 पे जाते हैं, फोर्थ रैंक देंगे, उसके बाद 65 पे आते हैं, फाइव रैंक देंगे, 65 के बाद आपका सीधा आता है रैंक 55, सिक्स रैंक देंगे 55 को, उसके बाद आपका आता है 45, उसको सेवन्थ रैंक देंगे, उसके बाद आपका आता है 35 रैंक, उसको एट्थ देंगे, फिर 30 आता है, नाइन्थ रैंक देंगे, टेंथ रैंक पे आपका आएगा 28, 11th रैंक पे आपका आएगा 25, और 20 आएगा आपके 12th रैंक पे। ठीक है, तो 9, 6, 4, 10, 3, 11, 2, 1, 12, 8, 7, 6, 5, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा डी, यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, डी निकालना है, तो 4 माइनस 9 कितना हो गया आपका, -5, 8 माइनस 6 आपका कितना हो गया 2, 9 माइनस 5 और 9.5 माइनस 4 हो गया आपका 5.5, 3 माइनस 10 हो गया आपका -7, 5.5 माइनस 3 हो गया आपका 2.5, और 2 माइनस 11 हो गया आपका माइनस का 9, 9.5 माइनस 2 हो गया आपका 7.5, 12 माइनस 1 हो गया 11, 1 माइनस 12 हो गया आपका माइनस का 11, 5.5 माइनस 8 हो गया आपका माइनस का 2.5, और 7 माइनस 7 हो गया आपका 0, और 11 माइनस 5 आपका हो गया 6। अब ये मेरा जो है डी वो 0 आना चाहिए, ठीक है, तो ही मेरा आंसर करेक्ट है यहां तक, -5 प्लस 2 प्लस का 5.5 माइनस का 7 प्लस का 2.5 माइनस का 9 प्लस का 7.5 प्लस का 11 माइनस का 11 माइनस का 2.5 प्लस का 6, तो मेरा करेक्ट है, 0 आ रहा है। अब मैं करूंगा इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 2 4, 5.5 × 5.5 कितना हो गया 30.25, 7 7 49, 2.5 × 2.5 आपका हो गया 6.25, 9 9 81, 7.5 आपका हो गया 56.25, 11 का स्क्वायर हो गया 121, ये हो गया 121, ये 2.5 का हो गया 6.25, ये हो गया 0, ये हो गया 36। अगर आप डी स्क्वायर का टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 536। क्लियर? अब यहाँ पे चेंज क्या हो गया, रैंक का तो आपने चेंज देख लिया, क्या था रैंक, हमने कैसे दिया था, दो रैंक को प्लस करके डिवाइड बाय टू किया था। अब यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज यूं आएगा कि आर स्क्वायर टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर तो था ही, और डिवाइडेड में ये बात इसके लिए लाइन ले रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। अब क्या करोगे, अब यहां पे एक प्लस की साइन डाल दो और एक फॉर्मूला डालो, एम बाय 12 ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस 1, और ये इतनी बार डालना जितनी बार नंबर रिपीट हुआ है। तो आप देखोगे तो एक्स में एक तो 35, एक बार एक नंबर ये रिपीट हुआ है और दूसरा नंबर ये रिपीट हुआ है, फिर कोई नंबर है नहीं है, वाई में कोई नंबर है नहीं है, मतलब दो नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हुए। तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है एम बाय 12 ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस 1, ये दो बार लिख देना। अगर तीन नंबर रिपीट हुए होते तो तीन बार करता, चार बार रिपीट हुए होते तो चार बार करता, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है मुझे,
अब मुझे कुछ नहीं नंबर्स डालने हैं। सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर क्या है आपका 536। अब मुझे बताओ जो आपने एम बाई ट्वेल्व लिया है, ठीक है, ये किसके लिए लिया है? सपोज कर लेते ये 35 के लिए लिया है, तो 35 कितनी बार रिपीट हुआ था? दो बार। तो इधर एम की जगह लेंगे दो बार। आप में से ये आपको एक मन के अंदर रख भी लेना पड़ेगा कि ये मैंने फर्स्ट वाला जो लिया है वो 35 के लिए लिया है, सेकंड वाला 65 के लिए लिया है, वो आप अपने हिसाब से दिमाग में रखना। तो 2/12 और यहाँ पे करेंगे एम स्क्वायर, मतलब दो बार रिपीट हुआ तो 2-1 प्लस। अब ये सेकंड वाला मैं ले रहा हूँ 65 के लिए, तो 65 कितना रिपीट हुआ है? दो बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे भी करेंगे 2/12 और यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। एन क्या है आपका 12 12 स्क्वायर -1। अब सब मेरे पास आ चुका है, अब मुझे खाली क्या है करना है, मैथमेटिक्स करनी है। 536 प्लस 2, अब ये क्या हो गया आपका 2/12 और यहाँ पे 2 2 4 4 -1 तो ये हो गया 3 प्लस 2/12 ये हो गया 2 2 4 4 -1 3 और ये हो गया 12 और अंदर हो गया 1 12 12 144 -1 हो गया 143। अब इसको और इजीली सिंप्लीफाई करते जाते 536 प्लस 2/12 कितना हो गया आपका 2/12 करते 2/12 2 डिवाइडेड बाय 12 आपका हो गया 0.16 इंटू 3 कर दो तो 0.5 आ गया बराबर। या तो ऐसे कर 2 3 6 डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो 0.5 आएगा और ये भी 2 × 3 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 0.5 आएगा। अब ये 12 × 143 तो 1716 ये 1 अलग है। 1 - 6 × 536 प्लस 0.5 प्लस 0.5 तो 537 डिवाइड में आ जाएगा 1716। अब यहाँ पे आएगा 1 - 6 × 537 तो 3222 डिवाइडेड बाय 1716 तो 1 - 3222 डिवाइडेड बाय 1716 तो ये आपका आ गया 1 - 87 तो आपका आंसर आया -0.87। आपका आर कितना आया क्योंकि आर आपका -1 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। क्लियर, ये आपकी आर की रेंज होगी, -1 से ग्रेटर होगा और 1 से स्मॉलर होगा, लेकिन -1 होना हो सकता है, इक्वल्स टू भी डाल सकते हो, -1 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता और -1 से स्मॉलर नहीं हो सकता। क्लियर, तो ये आर इक्वल्स टू आपका क्या आया आंसर -0.87। रैंक कोरिलेशन के ये दोनों लेक्चर आप कर लोगे तो एग्जाम में कोई भी अगर सम आता है रैंक कोरिलेशन का इजीली सोल्व हो जाएगा क्योंकि इसके बाहर का सम नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।